गाइज, मैं जस्ट अभी अपने रूम में आई हूँ। इस व्लॉग का कोई वेलकम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं शिल्पा के पीछे पड़ गई कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं बता रही है। बैग खोल के पैक करना शुरू कर दिया। शिल्पा, शिल्पा हाँ, कुछ तो बताओ। पहले कोई है फिर बताती हूँ। एक सेकंड गाइज, क्या कह रही है? जो तू नहीं पहनती मुझे फटाफट बता। डोनेट करने जा रही है क्या? डोनेट नहीं कर रही हूँ, ये मैं पहनती हूँ, इसको तो रखो पहले आप। जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं पहन सकूँ, तुझे यहाँ जो कहाँ जा रही है प्लीज बता दो, मुझे गंदा गंदा लग रहा है। अरे गंदा गंदा क्यों, तू बड़ी हो गई है काजल, अब हम बड़े हो गए हैं, कभी कभी अकेले रहना सीख। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ रहा है। क्या अर्जेंट ऐसा काम आ गया जो हमें नहीं पता चल रहा? मुझे नहीं पता हम क्या काम करते हैं। प्रमोशन है तो कहाँ जा रही है? इंडिया? इंडिया या कहीं और, वो व्लॉग में देखे हो यार, अभी नहीं बता सकती। ये बताइए पहनेगी? हाँ पहनूंगी। अब तो ये सब पहनेगी, इसे पहनते हुए मैंने एक दिन नहीं पहनूंगी। जा से मैं इसको ले जा। ये देखिए, अच्छा तो ये सब कपड़े लेके जा रही है, तो इसका मतलब इंडिया ही जा रही है। तो शिल्पा मुझे भी आती है वो, तो अब मैं यहाँ क्या करूँ फिर? मैं साथ साथ एक अपनी प्रमोशन है वो भी करके आऊँ, बस आना जाना करना है। तुझे अकेले आज जाएगी कल आ जाएगी? तेरी एकदम से नहीं करवा सकती थी टिकट्स, क्योंकि तुझे भी पता है। ये क्या धोखा दिया तूने मुझे? क्या धोखा दिया है? मुझे तो खुद एकदम पता लगा है। अब देख वही है ना, यहाँ के मैंने क्या कहा था कि ऐसे रहेगा गाइस, दुबई से इंडिया का काम, इंडिया से दुबई का काम। अब ऐसे अर्जेंट एकदम आई है, अभी मेरी 2 घंटे 1.5 घंटे बाद ही मेरे को एयरपोर्ट पे पहुँचना है। कितने बजे की फ्लाइट है? 11:30। 7 बज रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रही हूँ गाइस, मैं इसकी पैकिंग करा देती हूँ फटाफट। पहले मुझे सही में नहीं पता था कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। लेना साथ फिर ड्रॉप कर लेना। हाँ तब कर लूंगी। और मैं इंडिया नहीं जा रही। तो पागल हो गई है क्या? क्योंकि तू पागल हो गई है, तुझे इंडिया के अलावा कुछ सूच नहीं रहा, इसलिए मैंने इंडिया बोल दिया। मैं इंडिया तो कहाँ जा रही हूँ, मैं व्लॉग बंद नहीं करूंगी। हाँ मैं नहीं बता रही व्लॉग में, क्योंकि हर व्लॉग में सबको ऐसी सस्पेंस बनाना, मैं नहीं बता। पर तू बता चुकी है ऑलरेडी सो। हाँ क्योंकि और कुछ उस पर यकीन कर लेते हो ना तुम लोग, इसलिए बता दिया। कोई मान लो मैं इंडिया ही जा रही हूँ, क्या देख लेना कहाँ पहुंच रही हूँ व्लॉग में। क्या धड़ाधड़? अच्छा ये जो परफ्यूम से आप लेके जा रही हो, तो पापा के इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंस डे पे झंडा लड़ा के लहरा के आना कल आप, और पतंग उड़ा के आना। शेट यार, मुझे गंदा गंदा लग रहा है कि मैं नहीं जा पा रही। मुझे ये गंदा ही लग रहा है कि मैं इधर अकेली रहूंगी, मुझे ये गंदा लग रहा है कि मैं जा नहीं पा रही गाइस। और शिल्पा जी जा रही है, अब फिर मुझे लिस्ट भी बनानी है फटाफट वहां से क्या लेके आएगी। शिल्पा मेरे चश्मे जरूर ले आइयो याद से, स्पेक्स मेरी आंखें फूट गई हैं बिल्कुल इधर। और अभी लिस्ट बनाती हूँ गाइस, और पहले पैक करा देती हूँ, इसको लेट हो जाएगी वरना। और मिलती हूँ आपको बाद में। क्या कह रही है शिल्पा? किचन में जो अपने बर्तन है, सामान है, उनको संभाल के अंदर। तो मैं कहाँ बाहर छोड़ूंगी यार। शी इज ऑलमोस्ट रेडी गाइज, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ इसको छोड़ के आने के लिए। शूज पहनो की चप्पल मन नहीं कर रहा शूज का तो। और शिल्पा का लगेज जो है अराउंड 22 kg, जो हमने कपड़े बहुत बार पहन लिए हैं वो मैं सारे अपने वापस भेज रही हूँ। उसको कह रही हूँ मेरे वहां से फ्रेश क्लोथ्स ले आई हो। सो यस, तो इसका 22 kg बना है, और 15 मिनट में हम निकल रहे हैं बस। छोटा नहीं मेरी लगेज बैग। ओ लगेज कह रही हूँ, ले जा उसको खाली, उसमें भर के ले आई हो, फिर खाली ले जाए ऐसे ही। यार टूट जाते हैं बैग, मतलब खाली भी क्या ही घूमूंगी लेके, तो बता। हाँ चल रहने दे, फालतू में क्या है, इतने बड़े बैग में ले आऊंगी जो भी चाहिए होगा। अब दोबारा फोकस ये थोड़ी करना है कि जितना केजी लेके गई हूँ उतना ही डबल। नहीं नहीं नहीं, बस एसेंशियल्स जो सामान है काम का वो ही लेके आई हूँ फालतू का नहीं। और शिल्पा मेरे ही कपड़े पहन के जा रही है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी शर्ट है। अब मेरे दिखा दे, कहाँ है आपके इसमें? कहाँ है ये व्हाइट शर्ट? ये मेरी है। अपने पास 10 व्हाइट शर्ट है, समझ नहीं आ रही है कौन सी। ये मेरी है, टॉप भी मेरा है, और ये भी टॉप तो मेरा है, ये भी मेरा है। अब जितने दिन के लिए भी जा रही है, उतने दिन किससे लड़ेगी कपड़ों के पीछे? अब तुझे मेरी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। तुझे तो मजे आ रहे होंगे सोच के ना। क्या सोच? किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, जो दिल करेगा। यस, शिल्पा के बहुत सारे कपड़े इधर छूट चुके हैं, तो जो मन करेगा वो पहनूंगी और ऐश करूंगी। तुम अब मेरी नई नई रील्स देखना इंस्टाग्राम में, नए नए कपड़ों में। वहीं से ना, हाँ मैं जेटी फ्लाई करके आ जाऊंगा। मुझे लगा कहने वाले मैं वहीं से थप्पड़ मारूंगी। वहां से फ्लाइंग थप्पड़ तो नहीं आ सकता। ये खुशी क्या हो रही है इतनी जाने में, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा। इसका बैग भी अब हम ही लेके जाएंगे क्या? आ रही है ये जल्दी। प्रिटेंड तो शिल्पा ने पूरा ऐसा किया हुआ है। शिल्पा जी, जी आप इतना प्रिटेंड क्यों कर रही हो? क्या मतलब कह रही हो कि आप महीना भर नहीं आओगे? आप ऐसे प्रिटेंड जाके पता लगता नहीं है ना कितना टाइम लगे, क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। इसकी खुशी अलग ही झलक रही है मुंह पे। हाजी होता है गाइस, एक तो इंडिपेंडेंस डे भी अपने देश वापसी कर रही है ये तो। गाइस फाइनली हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे शिल्पा जी को लेकर।
तक तक हो रहा है। उधर जैसे कि पुलिस कार है और हम शिल्पा को ड्रॉप करने आए हैं, तो हम नीचे सिर्फ एक मिनट ही इसको ड्रॉप करके, क्या कह रही हूँ मैं, तो मैं बता रही थी कि हम रुक नहीं सकते क्योंकि पुलिस कार है, बस हम इसको अब यहीं पे खुद ही उतर के बैग निकाल के चली जाएंगी। खुद ही चली जाएगी, वैसे अगर इनको अंदर ले जाऊँ तो इनको पार्किंग तक जाना पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ और बहुत ट्रैफिक है उधर, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा पार्किंग में जाने में। लेट्स गो शिल्पा, आराम से जाइयो, सेफ, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। घर पहुंच के फोन करियो और फ्लाइट में बैठने से पहले भी मुझे फोन कर। शिल्पा के जाने की खुशी में हॉट चॉकलेट पीते हुए तो गाइस फाइनली मैं शिल्पा को छोड़ के आ गई हूँ। उसको छोड़ के तो मैं आई थिंक 3 घंटे पहले आ चुकी थी, 3-4 घंटे पहले। अब तक तो नहीं, बल्कि अभी मुझे शिल्पा ने कॉल किया कि उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। मैं उसके बाद आके लेट गई थी क्योंकि मेरा मूड काफी ऑफ था, काफी लो थी, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग अलोन, और स्टेइंग अलोन इन अ डिफरेंट कंट्री विदाउट पेरेंट्स विदाउट सिबलिंग्स बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए। हमेशा से मैं सोचती थी कि कभी ऐसे रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, और मेरे पापा मम्मा हमेशा फोर्स करते थे मुझे कि बाहर जाके पढ़ाई कर, पर मैं कभी करने नहीं गई क्योंकि मैं बहुत अफ्रेड थी टू स्टे अलोन, क्योंकि मैं कभी रही नहीं हूँ, मेरे हमेशा मतलब मैं सिबलिंग्स के अराउंड रही हूँ, पेरेंट्स के, बट इट्स फर्स्ट टाइम। और शिल्पा पता नहीं कितने दिन में आएगी कितने नहीं, अभी मुझे सच में कुछ पता नहीं है, और बाद में आगे बात करती हूँ गाइस। अभी मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ क्योंकि अब सब खुद करना है। तो मैं अपने लिए नीचे से ये खूब्स ले आई थी ताकि मुझे रोटियां ना बनानी पड़े। अभी मेरा दिमाग चल नहीं रहा कैसे क्या करने है गाइस, सो या देखते हैं किचन में चल के। तो गाइस मैं रात को सो गई थी और ब्लॉग एंड करना बिल्कुल भूल गई थी, तो शिल्पा पहुंच चुकी है सेफली घर, और घर जाते ही उसने वीडियो कॉल की सबसे पहले मुझे, क्योंकि मम्मी पापा बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैं नहीं आई हूँ, और पापा तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने 3-4 बार मुझे वीडियो कॉल करके रीचेक किया है कि कहीं मैं छुपी तो नहीं हुई हूँ नीचे या कहीं पर। मुझे ऐसे ना अजीब हो रहा था कि कोई नहीं, ऐसे तो चलता रहेगा आना जाना, तो ऐसे सैड नहीं होते हैं, और कुछ करने था ही नहीं शिल्पा के बिना, तो सो ही गई। मैं ऐसे सैड हो गई थी थोड़ा टाइम के लिए, ऐसे लो हो गई थी कि चलो शिल्पा गई है वो मिलके आएगी सबसे अच्छे से, मैं नहीं जा पाई, बट इट्स फाइन। और क्या कहते हैं, आज 15 अगस्त है, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आज से मेरे ब्लॉग्स बहुत ही डिफरेंट ही होने वाले मुझे लग रहे, क्योंकि अकेले क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या नहीं होगा पता नहीं, बिल्कुल लिविंग अलोन वाले ब्लॉग्स होने वाले अब। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था मैं ऐसे डिफरेंट कंट्री में अकेले रहूँगी, और मतलब सोचा था कि पहले बहुत ऐसे सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ऐसे बाहर फॉरेन कंट्री में रहूंगी अकेली रहूंगी, तो भगवान ऐसी छोटी छोटी चीजें पूरी कर देता था, ये भी पूरा हो गया कि अब मैं अकेली रहूंगी ऑल बाय मायसेल्फ, और खाना खुद बनाना है, व्लॉग्स भी बनाने हैं, सबसे बड़ी चीज व्लॉग्स और एंटरटेनिंग होनी चाहिए, तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। और शिल्पा आएगी थोड़े दिनों बाद तो फिर तो साथ में हम दिखेंगे, तब तक के लिए आपको सिर्फ मुझे देखना पड़ेगा मेरे ब्लॉग में, और शिल्पा के ब्लॉग्स तो बहुत ही अच्छे होंगे फॉर श्योर, क्योंकि सब होंगे वहां पे। सो यस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय।